assalamu alaikum students today we are going to start unit number 2 that is materials our sub unit is unit number 3 that is fiber from animals before discussing in detail about fibers from animals we will shortly discuss about fibers fiber fiber is defined as a thin thread like structure that combines to form animals or plant tissue आर एथीन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मेड सेंथेटिकली आर फ्रॉम मिनरल्स यानी फाइबर को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि एक धागे नमार ढांचा जो कंबाइन होकर आपके पास एनिमल्स या प्लांट टिश्यू बनाता है या एक ऐसा धागा नमार ढांचा जो हम सिंथेटिकली या मिनरल से हासिल करते हैं सो दिस इज़ कार्ड फाइबर नाउ वी विल स्टडी द टाइप्स ऑफ फाइबर फाइबर आर फर्दर डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स

Now, the second type is natural fiber. Natural fiber, the term natural fiber means fiber that exists as such in the natural state. They are obtained from plants and animals. fiber fiber, which we natural fiber. And there are two types. The first type is plant fiber, and the second type is animal fiber. Now, we will study about plant fiber. ऐसे फाइबर जिनको हम प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं कॉल्ड प्लांट फाइबर इसकी एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास कॉटन फ्लैक्स एंड जूट द सेकेंड वन इज़ एनिमल फाइबर्स एनिफल एनिमल फ़ाइबर्स आर ऑप्टेंड फ्राम एनिमल्स यानी ऐसे फाइबर्स जिनको आप एनिमल से एक्सट्रैक्ट करें डेटरकार्ड एनिमल्स फ़ाइबर एनिमल्स फ़ाइबर भी आपके पास फर्दर टू टाइप्स हैं द फर्स्ट वन इज़ वोल एंड द सेकेंड वन इज़ सिल्क ना वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट वुल एंड सिल्क कि कैसे आपके पास वल आते हैं इसके बनाने का प्रोसेस क्या है या फिर कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जिनसे हम वुल्क और सिल्क को एक्सट्रैक्ट करते हैं सो वी विल स्टडी इन इन डिटेल अबाउट वुल एंड सिल्क नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एनिमल्स फाइबर दैट इज़ वुल वल एक सॉफ्टिकर्स होते हैं जो कि शेप और बहुत सारे और एनिमल्स जो हैं उनकी बॉडी पे ग्रो करते हैं लेकिन अगर हम शिप की बात करें तो उसके बॉडी के ऊपर जो थिक कोटिंग होती है हेयर्स की उसे क्या कहते हैं फ्लीस कहते हैं अब क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि शिप की बॉडी पे इतनी थिक कोटिंग फ्लीस की क्यों होती है सो द आंसर इज सिंपल फ्लीस ट्रैप्स एयर सिंस एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट Therefore, heat doesn't pass from animal's body into surrounding environment. This helps them to keep their body warm. We get wool from the fleece of the sheep. Now, the clothes made from the wool of the sheep keep us warm. Fleece is of two types. The first type is fine under hair or soft under hair, and the second is. हार्ड अपर हेयर पार्ट और कॉर्सर बियर्ड हेयर्स स्टूडेंट तो आपके पास फ्लीस की दो टाइप से अब जो ये फाइन अंडर हेयर्स या जिन्हें सॉफ्ट अंडर हेयर्स कहते हैं ये जो आपके पास हेयर हैं इससे हम वुल हासिल करते हैं वुल इज़ जर्नरली आक्रीमी वाइट कलर यानी वुल का जनरली जो कलर होता है वो क्या है क्रीमी वाइट कलर होता है लेकिन कुछ ब्रीड्स आपके पास शेप की ऐसी होती हैं जो नेचुरल कलर प्रोड्यूस करती हैं जैसा कि ब्लैक ब्राउन सिल्वर एंड रेंडम मिक्सेस। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द वुल द फर्स्ट फंक्शन इज वल्स कीप यू ड्राई यानी वल आपको ड्राई रखती है ड्राई रखने का मतलब ये है स्टूडेंट कि वल थर्टी परसेंट मॉइस्चर को ऑब्जॉर्ब कर लेती है अब जब भी वुल uh, मॉइस्चर को कोब्जॉर्व करती है तो उसके बाद वो हीट जनरेट करती है यानी हीट प्रोड्यूस करती है द सेकेंड फंक्शन इज़ वुल कीप यू वार्म वेन इट इज़ कोल्ड यानी जब भी सराउंडिंग में ठंड होती है तो वुल क्या करती है वो आपको वार्म रखती है इसी तरह वल आपको ठंडा रखती है कूल रखती है जबकि सराउंडिंग में आपके पास बहुत ज़्यादा हीट हो गर्मी हो सो दीज आर द टू मेन फंक्शन ऑफ़ द वल नाउ वी विल टॉक अबाउट द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स लाइक शीप शीप की डोमेस्टिकेशन टेन थाउजेंड बी सी से ही स्टार्ट हो गई थी यानी लोगों ने इसे घर में रखना शुरू कर दिया क्योंकि उसे इससे बेनिफिट हासिल हो रहे थे लेकिन टेन थाउजेंड बी सी से यानी जब से इसकी डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गई थी तब से इंसान को नहीं पता था कि इससे वुल कैसे एक्सट्रैक्ट करनी है सो फाइव थाउजेंड्स ईयर अगो यानी पाँच हज़ार साल बाद इंसान ने जाना कि किस तरह से शीप स्किन से वुल एक्सट्रैक्ट करते हैं बट विद द पैसेज ऑफ टाइम देर मे बी सम चेंजेस यानी पहले जो शीप थे और उसमें और आज के दौर के जो शीप हैं उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं एंड द रीज़न बिहाइंड दिस चेंजेस कि ये मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ सिचुएशन में रहे सो so, इसकी वजह से इसके अंदर डिफरेंट चेंजेस आते रहे नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द क्वालिटी ऑफ वुल डिफरेंट एनिमल्स स्टूडेंट्स हम वुल एक्सट्रैक्ट करते हैं और अब हम ये देखना चाहते हैं कि किस एनिमल से हम जो वुल एक्सट्रैक्ट करते हैं वो कितनी एक्सपेंसिव है कितनी वैल्यूएबल है सो so, वुल की क्वालिटी कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है द फर्स्ट फैक्टर इज़ फाइबर डाया मीटर यानी जो हम फाइबर एक्सट्रैक्ट करते हैं उसका डायामीटर कितना है द सेकेंड इज कलर कलर कैसा है क्योंकि हमने शीप्स में पढ़ा था कि जनरली तो उनका क्रीमी वाइट कलर होता है लेकिन कुछ और कलर्स भी होते हैं जैसे ब्लैक ब्राउन सिल्वर एंड कुछ मिक्स कलर होते हैं सो कलर भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है क्वालिटी में द थर्ड थिंग इज यील्ड नस्ल बहुत मैटर करती है अगर हम सिर्फ शीप्स की ही बात करें बाकी एनिमल्स को छोड़ दें तो शिप के अंदर भी डिफरेंट ब्रीड्स होती हैं यानी डिफरेंट नस्लें होती हैं और हर जो वो ब्रीड है उससे जो क्वालिटी फुल की है वो डिफरेंट है यानी अगर हम बात करें मेरिनो शिप की तो ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव और वैल्यूएबल फुल हमें मेरीनो शिप से मिलती है सो ब्रीड भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है एंड नेक्स्ट स्टेप इज स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा मैटर करती है फाइबर की सो दीज आर द फ्यू फैक्टर ऑन विच क्वालिटी ऑफ फुल डिपेंड्स नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वल प्रोडक्शन एक एवरेज शिप एक साल के अंदर तकरीबन दो से तीस पाउंड तक वल प्रोड्यूस करता है लेकिन ये अमाउंट शिप टू शिप वेरी करते हैं क्योंकि अगर हम एक यंग शिप की बात करें लेम्प्स की बात करें तो वो हमारे पास कम वल प्रोड्यूस करते हैं एज़ कम्पेयर टू मेच्योर शिप इसी तरह अगर हम मेल और फीमेल शिप के अंदर कंपैरिजन करें तो फीमेल शिप कम वुल प्रोड्यूस करते हैं एज कम्पेयर टू मेल शिप यानी मेल शिप जिसे हम रेम्स करते हैं वो ज़्यादा वो प्रोड्यूस करता है एंड फीमेल शिप जिसे हम एव्स कहते हैं वो कंपैरेटिवली कम अमाउंट वुल की प्रोड्यूस करती हैं एक बहुत अहम फैक्टर जो है शिप की प्रोडक्शन के अंदर या उनकी सर्वाइवल के अंदर दैट इज़ द क्लाइमेट इफ़ेक्ट डिफरेंट कंट्रीज की क्लाइमेट्स टूडेंट डिफरेंट होती है अब तमाम तरह की जो क्लाइमेट्स हैं या डिफरेंट कंट्रीज की जो क्लाइमेट्स हैं वो शिप की सर्वाइवल के लिए इफेक्टिव नहीं होती यानी सारी क्लाइमेट ऐसी नहीं है जिसमें शिप सर्वाइव कर सकें सो दिस इज़ अनादर इम्पोर्टेंट फैक्टर नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अदर एनिमल्स वन बाई वन डेट यू वुल एक्सेप्ट शिप या कोल cool. याक पुल इज़ द टाइप ऑफ कैटल विद लॉन्ग हेयर एंड लॉन्ग यानी याक हमारे पास कैटल की एक ऐसी टाइप होती है जिसके लंबे बाल और लंबे सींग होते हैं ये ज़्यादातर तिब्बत और लद्दाख के इलाके में मशहूर होती है वहाँ पाई जाती है अब याक वूल से कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं मतलब क्या क्या प्रिपेयर होता है उससे क्लॉथिंग के अंदर ये वूल यूज़ होता है टेंट्स रोब्स और ब्लैंकेट्स के बनाने के अंदर याक वूल यूज़ होता है अंगूरा वुल अंगूरा वुल हमें स्टूडेंट्स अंगूरा गोट्स या रेबिड से मिलती है जो कि पहाड़ी इलाकों के अंदर पाए जाते हैं अंगूरा वुल बहुत ज़्यादा नरम मलायम और गर्म होती है इसी तरह जो फाइबर हम अंगूरा गोट से हासिल करते हैं उसे हम मुहेर कहते हैं मुहेर अपने हल्के वजन की वजह से और पायदारी की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है क्योंकि मुहेर से जो भी कपड़े बनते हैं एक तो उनका वेट बहुत कहाँ होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और वो बहुत ज़्यादा मज़बूत होते हैं सो so, ये वो रीज़न है जिसकी वजह से मुहेर बहुत ज़्यादा फेमस है इस पुल से स्पेशली औरतों के लिए स्वेटर्स बनाए जाते हैं और फर्नीचर की कवरिंग बनाई जाती है कश्मीरी वूल कश्मीरी वूल स्टूडेंट ऐसे वूल को कहते हैं जो हम कश्मीरी गोट से हासिल करते हैं और कश्मीरी गोट अपने इलाकों में पाए जाते हैं वो तिब्बत और चाइना इन दो इलाकों में ज़्यादातर पाए जाती हैं कश्मीरी वूल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है और इजीली हम उसको डाई भी कर सकते हैं सो दिस इज़ ऑल अबाउट कश्मीरी वूल। कैमल वूल, द वूल विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्राम द बॉडी ऑफ द कैमल इज कॉल कैमल वूल ऐसे वूल जो हम कैमल की के बॉडी से एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको कैमल वूल कहते हैं बज दफ़ा हम इस पुल को एज इट इज़ यूज़ करते हैं इसके ओरिजिनल कलर में यूज़ करते हैं क्योंकि इसका ओरिजिनल कलर बहुत प्यारा होता है लेकिन बाज़ दफ़ा हम इसमें कुछ और कलर मिक्स करते हैं और उसको यूज़ करते हैं कैमल की फैमिली से कुछ और एनिमल्स भी बिलोंग करते हैं जिसमें लामा और अल्पाका हैं ये दोनों कैमल की फैमिली से बिलोंग करते हैं और ये साउथ अमेरिका के अंदर पाए जाते हैं इन तमाम से जितने भी हम पुल एक्सट्रैक्ट करते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है और वार्म होती है प्रोसेस ऑफ मेकिंग वोल स्टूडेंट वुल बनाने के लिए वुल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें डिफरेंट प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और उसके लिए हमारे पास कुछ मेजर स्टेप्स हैं सो द फर्स्ट स्टेप इज शेयरिंग द सेकेंड इज क्लिनिंग एंड स्कोरिंग द थर्ड इज ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग द फोर्थ वन इज़ कार्डिंग स्पिनिंग द फिफ्थ वन इज़ वीविंग एंड फिनिशिंग सो दीज आर ऑल द मेजर स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ फुल। द फर्स्ट स्टेप इज शेयरिंग शेयरिंग एक ऐसा प्रोसेस है स्टूडेंट्स जिसमें हम शिप की बॉडी से फ्लीस को उतारते हैं विद द हेल्प ऑफ मशीन सो दिस प्रोसेस इज़ कार शेयरिंग शेयरिंग जब भी हम करते हैं तो उससे एनिमल्स को कोई हर्ट नहीं होता कोई तकलीफ नहीं पहुंचती। उसके रीजन ये है कि जो अपर मोस्ट लेर है कि जो फ्लीस है शेप की बॉडी पे ये डेड होती है अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो माइंड में आता है कि फ्लीस जो ये शेयरिंग का प्रोसेस है ये कब कब किया जाता है तो ये साल में सिर्फ एक ही दफ़ा किया जाता है इन नेक्स्ट प्रोसेस द श्योर स्किन इज़ वॉश यानी जो हमने जितनी भी स्किन को शेयर किया था उसको वॉश किया जाता है विद सोपी वाटर ताकि उसमें से जितने भी ग्रीसी डस्ट और डर्ट पार्टिकल्स हैं उनको रिमूव कर दिया जा सके सो दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड स्कोरिंग अब उस वुल को ड्राई किया जाता है और उसके बाद उसको रोलर के अंदर से गुजारा जाता है नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप जितनी भी वुल हमारे पास वॉश हो आती है हम उसको फैक्ट्री के अंदर बेच देते हैं जहाँ उसको डिफरेंट सेक्शंस के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर टेक्सचर यानी एक तरह की वुल जो एक क्वालिटी की वुल है उसको एक साथ रखा जाता है और उसके बाद उसको प्रोसेस से गुजारा जाता है जिस तब हमें डिफरेंट किस्म के टेक्सटाइल वहाँ से मिलते हैं सो दिस प्रोसेस इज कार्ड सॉर्टिंग द नेक्स्ट स्टेप इज कॉम्बिंग कॉम्बिंग मीन कंगी करना जिस तरह स्टूडेंट हम अपने बालों में कंगी करते हैं इसी तरह एक मशीन होती है जिसे हम कार्डिंग मशीन कहते हैं वो इस लूज़ वूल फाइबर के अंदर कॉम्बिंग का प्रोसेस करती है और इस प्रोसेस के दौरान जितने भी फ्लफी फाइबर्स आते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है बालों के अंदर से अब इस कॉम्बिंग के प्रोसेस के बाद एक शीट बना दी जाती है इस शीट को ट्विस्ट करके एक रस्सी बन जाती है जिसे हम सिल्वर कहते हैं अब इस सिल्वर को हम स्ट्रेच करते हैं और फिर अगेन ट्विस्ट करते हैं यानी रोल करते हैं ताकि हमारे पास धागा बन सके और अब हमारे पास जो फाइनली वूल हमारे पास हासिल हुई है उसको हम यूज़ कर सकते हैं सो दीज आर ऑल द स्टेप्स फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ वूल

स्टूडेंट्स हमने देखा होगा कि हम जो भी सीजन चेंज होते हैं हम उसके अकॉर्डिंग कपड़े पहनते हैं यानी विंटर सीजन के लिए हमारी जो कलेक्शन होती है क्लॉथ्स की वो अलग होती है और इसी तरह समर कलेक्शंस सेपरेट होती है अलग होती हैं लेकिन सिल्क एक ऐसा फैब्रिक है जो समर और विंटर दोनों के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क फॉर्म सो द एक्स आर लेड बाई फीमेल मॉथ ऑन द लीव्स, यानी एक फीमेल मॉथ अंडे देती है मलबरी लीव्स पे सो द फर्स्ट स्टेज इज कार्ड द एक्स स्टेज क्योंकि इस स्टेज में सिर्फ एक फीमेल मॉथ मलबरी लीव पे अंडे देती है द नेक्स्ट स्टेज इज एक्ट डिवेलप्स इन टू लार्वा यानी जितने भी वो अंडे थे वो लार्वा की शेप में कन्वर्ट हो जाते हैं और लार्वा की जो शेप होती है वो वर्म लाइक स्ट्रक्चर होता है यानी कीड़े नमा उसका ढांचा होता है लार्वा दिन ब दिन या विद पैसेज ऑफ टाइम ग्रो करना शुरू करता है बाय फीडिंग दमसेल्व ऑन मलबरी लीव्स यानी मलबरी लीव्स को फीड करता है और आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करना शुरू कर देता है सो so लार्वा की जो ग्रोथ स्टेज है इसको एक साइंटिफिक नेम दिया जाता है जिसको हम इंस्टार कहते हैं सो द इंस्टार इज द फेस ऑफ द इंसेक्ट लार्वा बिटवीन द टू मोल्डिंग प्रोसेस इसी तरह स्टूडेंट लार्वा ग्रो करके फर्स्ट इंस्टार जाता है देन सेकेंड इंस्टार और ऐसे ऐसे करते करते वो फोर्थ इंस्टार तक चला जाता है यानी जब तक वो इनफ फीड नहीं कर लेता वो इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखता है अब लार्वा को जितनी भी अमाउंट रिक्वायर थी वो उसको हासिल करने के बाद एक नेक्स्ट स्टेप पे चला जाता है जहाँ वो इसको कंज्यूम करे द नेक्स्ट स्टेज इज रेस्टिंग फेज स्टूडेंट जिस तरह हम लोग रेस्ट करते हैं और ड्यूरिंग रेस्टिंग हमें अपने आप को कवर करने के लिए किसी ब्लैंकेट की ज़रूरत होती है बिल्कुल इसी तरह लार्वा भी अपने इर्द गिर्द एक कवर बनाता है और वो कवर बनाने के लिए अपने मुँह से एक स्लिमी थ्रेड से करता है जो उसके बॉडी के इर्द गिर्द तमाम डायरेक्शंस में फैल जाता है और वो एक थिक कोट बना देता है थ्रेड का जिसको हम कोकून कहते हैं स्टूडेंट्स की जो कोकून स्ट्रक्चर है इसको डिफरेंट प्रोसेस से गुजारने के बाद हम इससे सिल्क हासिल करते हैं लेकिन अगर हम यहाँ तक बात करें लाइफ साइकिल की बात करें तो जब ये कोकून बन जाता है तो उसके अंदर लार्वा क्या करता है रेस्ट करने रेस्ट करता है और उसके बाद वो अपने नेक्स्ट स्टेज में यानी अपने लाइफ साइकिल की नेक्स्ट स्टेज में इंटर होता है द नेक्स्ट स्टेज इज द प्यूपा स्टेज द प्यूपा स्टेज इज द ऑर्गेनिज्म इज सिजेल सिजेल मीन इट डजेंट मूव यानी कि लार्वा कोकून के अंदर जो होता है वो रेस्ट पोजीशन में होता है और वो अपने ऑर्गन्स को डिवेलप करने की कोशिश करता है इस तरह से प्यूपा अपने आप को डिवेलप करके एक अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है सो द नेक्स्ट स्टेज इज कॉल अडल्ट स्टेज नाउ द नेक्स्ट स्टेज इज द अडल्ट स्टेज एक मिच्योर मोथअप कोकून को ब्रेक करता है और उठ जाता है सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ कोकून नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क सिल्क फॉर्म को रेस करना की प्रोसेस को हम सीरीकल्चर कहते हैं या सिल्क फॉर्मिंग कहते हैं यानी हम सिल्क फॉर्म को रेस करते हैं ताकि हम उससे सिल्क हासिल कर सकें और इस तमाम प्रोसेस को हम क्या कहते हैं सीरिकल्चर कहते हैं वैसे तो सिल्क की प्रोडक्शन डिफरेंट किस्म की स्पीशीज से होती है लेकिन एक स्पीशीज जो है उसकी वो बहुत फेमस है सिल्क की प्रोडक्शन के लिहाज से दैट इज बॉम्बैक्स मोरी स्टेजेस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ऑल द स्टेजेस फ्रॉम विच वी प्रोड्यूस सिल्क यानी वो तमाम स्टेजेस हम वन बाई वन देखेंगे जिनसे हम सिल्क प्रोड्यूस करते हैं सो द फर्स्ट स्टेज इज द सिल्क मोथ बम्बैक्स मोरी ले एग ऑन मलबरी ट्री अब स्टूडेंट हमने पढ़ा था बॉम्बेक्स मोरी के बारे में कि ये एक ऐसी ब्रीड ऐसी सिल्क वाम की स्पीशी है जो सबसे ज़्यादा सिल्क प्रोड्यूस करती है अब हम ब्रीडिंग के लिए इसी स्पीशी को चूज़ करते हैं और ये स्पीशी मलबरी ट्री पे एग ले करती है सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप नाउ द नेक्स्ट स्टेज इज द एग्सर हैच इन टू कैटर पिलर यानी अंडो से कैटर पिलर यानी सिल्क बन जाता है नाउ फॉर अपकमिंग ट्वेंटी टू थर्टी फाइव डेज The only fed on chopped mulberry leaves. अगले बीस से पैंतीस दिनों तक अब वो जो सिल्क वार्म है वो सिर्फ हाली चोप मलबरी लीव को खाता है सो दिस इज द सेकेंड स्टेज नाउ द नेक्स्ट स्टेज तक जेनरेटिंग स्टेज यानी स्टूडेंट जब आपके पास सिल्क वार्मी फाइव डे का हो जाता है तो उस वक्त वो इस काबिल हो जाता है कि वो अपने इर्द गिरद को जनरेट कर सके क्योंकि अगर हम उसका कंपैरिजन उसकी फ़र्स्ट स्टेज से करें तो वो थाउजेंड टाइम हैवियर हो जाता है बड़ा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू हिज फर्स्ट स्टेज सो दिस इज़ नाउ एबल टू जनरेट आर स्पिन अ कोकून अराउंड इट्सल्फ़ द नेक्स्ट स्टेज इज़ द सिल्क प्रोडक्शन स्टेज यानी इस स्टेज के अंदर स्टूडेंट सिल्क वार्म सिल्क प्रोड्यूस करता है इसके लिए वो क्या करता है वो अपने मुंह से एक स्लिमी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर सी क्रिएट करता है जो उसके बॉडी के इर्द गिर्द तमाम पॉसिबल डायरेक्शन के अंदर फैल जाता है अब जैसे ही इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का इंटरेक्शन एयर के साथ होता है तो ये आहिस्ता आहिस्ता हार्ड होना शुरू हो जाता है नाउ दिस थिक कोटिंग ऑफ द थ्रेड इज कार्ड कोकून यानी ये जो एयर के इंटरेक्शन के साथ जो थ्रेड हमारे पास हार्ड हो गया था इसको हम कोकून कहते हैं सिल्क वर्क अपना कोकून तकरीबन पाँच दिनों के अंदर कंप्लीट करता है और उसे कंप्लीट करने के लिए उसको सिल्क फिलामेंट कितना रिक्वायर होता है तकरीबन सिक्स हंड्रेड से लेके 1200 ट्वेल्व हंड्रेड सिल्क फिलामेंट उसे रिक्वायर होता है अपने एक कोकून को कम्प्लीट करने के लिए इन द नेक्स्ट स्टेज कोकून आर पुट इन हॉट वाटर यानी हम कोकून को क्या करते हैं गर्म पानी के अंदर डाल देते हैं ताकि उसके अंदर जो वर्म है वो मर जाए और उसके बाद जो फ़िलामेंट है यानी वो धागा जो है वो लूज़ हो जाए लेकिन हम तमाम कोकून के साथ ऐसा नहीं करते कुछ कोकून सम होते हैं उनको हम प्रिजर्व कर लेते हैं फॉर आवर फर्दर ब्रीडिंग ऑफ सिल्फॉर्म वन कोकून कंटेन अप्रॉक्सीमेटली वन थाउजेंड यार्ड ऑफ सिल्क फिलामेंट यानी स्टूडेंट सिर्फ एक कोकून के अंदर तकरीबन एक हजार यार्ड आपके पास सिल्क फिलामेंट होता है लेकिन इस स्टेज पर जो आपके पास सिल्क होती है उसको हम रॉ सिल्क कहते हैं अब हम क्या करते हैं बहुत सारे कोकून को एक साथ रखते हैं और उनके फिलामेंट को एक साथ रील ऑफ करते हैं ताकि हम उससे एक स्ट्रॉन्ग थ्रेड बना सकें इन द नेक्स्ट स्टेज दिस थ्रेड इज़ वॉश, ड्राई एंड देन ट्विस्ट टू फार्म यान यानी अगले स्टेज में हम क्या करते हैं इसे वॉश करते हैं वॉश करने के बाद इसको ड्राई करते हैं और उसके बाद हम इसको ट्विस्ट करते हैं ताकि हम इससे यान बना सकें अब हमारे पास जो कपड़ा होता है फैब्रिक्स होता है वो डिफरेंट किस्म का होता है उसका जो टेक्स्चर होता है वो किस पर डिपेंड करता है हम जो उस फिलामेंट को ट्विस्ट कर रहे थे उस पर डिपेंड कर रहा होता है हमारे फैब्रिक के द नेक्स्ट इन द लास्ट स्टेज इज़ द रीलिंग स्टेज यानी स्टूडेंट अब हमारे पास जितना भी धहागा आता है ठीक है थ्रेड होता है हम उसके रीलिंग कर देते हैं और उसको उसकी क्वालिटी के हिसाब से पैकिंग कर देते हैं सो दिस इज़ आल अबाउट द स्टेज ऑफ सिल्क प्रोडक्शन नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सिल्क फाइबर सिल्क के अंदर स्टूडेंट बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो उसको दूसरे फाइबर से सेपरेट करती हैं यानी फर्स्ट क्वालिटी की हम बात करें तो सिल्क बहुत ज़्यादा लेस्टरस होता है बहुत ज़्यादा शाइनी होता है एंड द सेकेंड इज़ सिल्क का जो स्टफ होता है या सिल्क की थ्रेड की बात करें तो हम बहुत ज़्यादा वो स्ट्रोंग होता है अगर हम उसका कंपेरिज़न स्टील थ्रेड से करें जो कि सेम डायामीटर के अंदर हो तो वो उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होता है इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जितना भी हमारे पास सिल्क का फाइबर है आप उसको ईजिली डैमेज नहीं कर सकते द नेक्स्ट पॉइंट इज सिल्क स्टेक्स वेल टू डाई यानी स्टूडेंट सिल्क को आप बहुत आराम से डाई कर सकते हैं इसी वजह से हमारे पास सिल्क के अंदर एक कलरफुल क्लेक्शन है क्योंकि आप उसको जिस कलर के अंदर चाहें आप उसको बहुत ईजीली डाई कर सकते हैं सिल्क हैज़ अ सॉफ्ट व्हील यानी स्टूडेंट सिल्क को जब हम पहनते हैं तो हमें बहुत सॉफ़्ट फील होता है उसका रीज़न क्या है कि सिल्क जो है वो मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर ले देता है अब जब सायरे वो नमी को ऑब्जॉर्व कर लेता है इसी वजह से हम जब सिल्क ड्रेसेस को पहनते हैं तो हम बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं और इनका जो फैब्रिक है वो बहुत ज़्यादा शाइनी होता है और इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं सिल्क इज़ आल्सो मोर हीट रेजिस्टेंस दैन मैनी अदर फैब्रिक्स यानी अगर हम दूसरे फैब्रिक्स से इसका कंपेरिजन करें तो ये हीट को रेजिस्टेंस करता है इसीलिए स्टूडेंट हम इसको, इस को इस फैब्रिक को दोनों मौसम के अंदर यूज़ करते हैं यानी विंटर के अंदर भी यूज़ करते हैं विंटर के अंदर ही हमारी बॉडी को वार्म रखता है और इसी तरह हम समर के अंदर भी सिल्क को यूज़ करते हैं समर में ये हमारी बॉडी को कोल्ड रखा है कूल cool रखता है

कोकून को गर्म पानी के अंदर डालते हैं ठीक है और उसको निकालते हैं तो इस प्रोसेस के अंदर बहुत सारे जो लोग हैं वो बैर हाथों यानी अपने हाथों को बगैर किसी कवर या बग़ैर ग्लव्स यूज़ किए वो इसको हैंडल करते हैं ठीक है डेड वाम्स को हाथ लगाते हैं तो इससे उनके अंदर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन और बीमारियाँ फैलती हैं द नेक्स्ट इन द मेजर प्रॉब्लम इज एक दिन के अंदर तकरीबन लोग जो सेकल्चर करते हैं फार्मिंग करते हैं उन्हें 12 से 16 घंटे तक खड़े रहना पड़ता है अब जब वो इतने ड्यूरेशन के लिए खड़े रहते हैं तो उनके अंदर सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम होता है बैके यानी उनके कमर का दर्द स्पाइन प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है और इससे उनकी आँखों पर भी यानी उनकी नज़र पर भी इफेक्ट पड़ता है सो दीज आर द मेजर इफ़ेक्ट्स स्टूडेंट जैसे ही हम सिल्क बॉम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है उसका स्पिनिंग और वेंडिंग का प्रोसेस होता है और स्पिनिंग और वेंडिंग के लिए हम डिफरेंट किस्म की मशीन यूज़ करते हैं अब स्टूडेंट उन मशीन से बहुत ज़्यादा नॉइज़ प्रोड्यूस होता है और ये नॉइस जो है ये हेयरिंग पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है सो दीज आर द मेजर इफेक्ट्स या हेल्थ हेजर्ट्स ऑफ सीरीकल्चर डिजीज दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज कॉमन इन बोथ द इंडस्ट्रीज यानी वुल इंडस्ट्री में भी वो होती है और सिल्क इंडस्ट्री के वर्कर्स के अंदर वो होती है अगर सिल्क इंडस्ट्री के अंदर मैं बात करूँ तो जैसे ही हम कोकून को, को गर्म पानी के अंदर डालते हैं ताकि उसके अंदर से वो वर्म लाइक स्ट्रक्चर क्लिक हो सके तो उसके दौरान स्टूडेंट बहुत सारे वेपर्स होते हैं जो हम इनहेल कर लेते हैं अब इन वेपर्स को इनहेल करने से सांस की बीमारी यानी अस्थमा हमारे अंदर आ, हमारे अंदर नहीं बल्कि उन लोगों के अंदर होता है जो कि सिल्क इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे होते हैं इसी तरह जब हम सिल्क को फाइनल प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं यानी हम उसको रीलिंग के प्रोसेस से गुजारते हैं तो बहुत छोटे छोटे जो फाइबर्स होते हैं हम उनको इन्हील कर देते हैं अब उससे भी हमारे पास क्या होता है सांस की बीमारी बनती है अस्थमा होता है ब्रोंकाइटस हो जाता है यानी हमारी ब्रोंकियो ब्रोंकियल जो ट्यूब्स होती हैं उनके अंदर स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाती है एंड सिमिलर प्रॉब्लम इज़ हेयर इन द वूल इंडस्ट्री यानी वुल इंडस्ट्री के अंदर भी यही रेस्पेरेटिव डिजीज़ जिसे अस्थमा और ब्रोंकाइटस कहते हैं अभी किस वजह से होती हैं स्टूडेंट जब भी हम वो इंडस्ट्री में काम करते हैं यानी सॉर्टिंग और स्कोरिंग का प्रोसेस सॉर्टिंग में हमने पढ़ा था कि हम क्या करते हैं वो जितनी भी हम फ्लीस उतारते हैं उसको धोते हैं उसको ड्राई करते हैं और उसको फिर डिफरेंट सेक्शंस के अंदर डिवाइड करते हैं तो इसके दौरान बहुत छोटे छोटे जो बाल होते हैं वो जरिए हम अपने अंदर इन्ेल कर लेते हैं अपने सांस के साथ उनको इन्हेल कर लेते हैं तो इससे हमारे अंदर इज्तम यानी सांस की बीमारी और ब्रोंकाइटिस की बीमारी ये दो मेजर डिजीज़ हैं जो इस ड्यूरेशन में उन लोगों के अंदर होती हैं सो स्टूडेंट द नेक्स्ट डिजीज़ इज़ स्किन डिजीज़ क्योंकि स्टूडेंट्स हम बेड़ हाथों से क्या करते हैं फ्लीस को उतारते हैं और उसके बाद स्कोरिंग का प्रोसेस होता है और इस सारे प्रोसेस को हम जो है केयरफुली हैंडल नहीं करते बेड़ हाथों से करते हैं इसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्किन डिजीजेज़ होती हैं बहुत सारे और हेल्थ प्रॉब्लम हैं जो वुल इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों के अंदर पाए जाते हैं उसमें कॉमन हमारे पास हैडेक है सर का दर्द फीवर बुहार बैक पेन यानी कमर का दर्द और नेक पेन सो दीज आर द मेजर प्रॉब्लम्स दैट द पीपल आर फेसिंग दैट आर वर्किंग इन द सिल्क एंड वुल इंडस्ट्री नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द सीरी कल्चर के सीरी कल्चर कहाँ स्टार्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ एक क्वीन जिसका नाम जीविंग था जो एम्प्रर की बीवी एम्प्रर होंग डी की बीवी थी उसे वीविंग का बहुत ज़्यादा शौक था एक दिन वो अपने गार्डन के अंदर मलबरी ट्री के नीचे बैठ कर कोई अपना फेवरेट ड्रिंक जो था वो उसको सिप कर रही थी ड्रिंक टी कोई थी उसको सिप कर रही थी कि अचानक उसके कप के अंदर उसके वो जो जो भी ड्रिंक टी थी उसके अंदर आ, कोई चीज़ गिरती है और देखते ही देखते वो पूरा कप जो है वो एक थ्रेड लाइक -like स्ट्रक्चर से बढ़ जाता है क्योंकि स्टूडेंट्स जब आपने देखा था कि जब हम आ, अब होता क्या है कि कोकून को हम गर्म पानी के अंदर डालते हैं ताकि एक तो उससे वो वर्म लाइक स्ट्रक्चर किल हो जाए और दूसरा वो जो उसका थ्रेड है वो लूज हो जाए इसीलिए जब वो आ, कोकून स्ट्रक्चर उसकी चाय के अंदर गिरा तो वो आता आहिस्ता थ्रेड लूज़ होना शुरू हो गया अब जैसे ही वो थ्रेड लूज हुआ तो क्वीन ने उसको अपनी फिंगर के इर्द गिर्द ट्विस्ट करना शुरू कर दिया जैसे ही वो ये ट्विस्टिंग कर रही थी कि एक ऐसा टाइम आया कि उसे एक सेंसेशन हुई वर्म लाइक -like स्ट्रक्चर की सेंसेशन यानी उसे महसूस हुआ कि अंदर कोई वर्म है और उसने देखा कि एक वर्म उसमें से बाहर आ रहा है तब उसको क्वीन को यही लगा कि यही जो वर्म है बेसिकली उसने ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रोड्यूस किए हैं सो बेसिकली जो कल्चर का या सिल्क इंडस्ट्री का आगाज था वो चाइना के अंदर से हुआ कि इस क्वीन ने लोगों को बताया अबाउट सीरी कल्चर। दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर आई होप ऑल द कंसेप्ट आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू